हेलो गाइस, वेलकम टू द मनोज वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आंसर इज 3rd June। तो हर साल 3rd June को विश्व भर में बाईसाइकिल साइकिल दिवस मनाया जाता है, और वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड June 3rd ईच ईयर, सेलिब्रेटिंग साइकिलिंग एज अ वे टू फाइंड अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ट्रेवल दैट गारंटीज फिजिकल हेल्थ। एंड दिस डे सेलिब्रेटेड द साइकिलिंग ट्रेडिशन एंड इज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अवर हेल्थ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड अ नेशनल साइकिलिंग रेस फॉर इंडियन फ्री स्टाइल साइकिलिस्ट ऑन वर्ल्ड साइकिलिंग डे। मिस्टर ठाकुर सेज दैट बाई साइकिलिंग वी कैन अचीव द गोल्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, क्लीन इंडिया मूवमेंट एंड हेल्दी इंडिया मूवमेंट। यू कैन कम्प्लीट द फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट एंड क्लीन इंडिया एंड हेल्दी इंडिया मूवमेंट वाइल साइकिलिंग। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल। नोटेबली वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 3 एवरी ईयर टू प्रमोट द यूज ऑफ बाईसाइकिल्स एंड देयर बेनिफिट। तो आप सभी को पता है साइकिलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सेहत के लिए भी और एक ही पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। डीजल और पेट्रोल फ्री है साइकिलिंग, तो दैट्स वाई इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस डे को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम बाईसाइकिल के यूज़ को प्रमोट करें और उनके फ़ायदों को समझें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल स्कूल प्रपोज्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आंसर है PM श्री स्कूल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कूल मॉडल? PM श्री स्कूल्स। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एड्रेस द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन गुजरात गांधीनगर विद अ फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ही अनाउंस्ड दैट द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज इन प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग PM श्री स्कूल एज अ लेबोरेटरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द स्कूल विल बी फुली इक्विप्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। So what will be the structure of the PM Shri School? The Education Minister spoke about the 5+3+3+4 approach of new education policy covering preschool to secondary, while stressing on early childhood care and education program, teaching training, teacher training, adult education, integrating skill development with school education and prioritizing learning in one's mother tongue. These are the measures that are required for training global citizen of the 21st century. Furthermore, it was highlighted that experience and knowledge sharing from all state education minister in the structured manner at the conference would help move towards elevating the country's learning landscape. In line with the National Education Policy 2020, the PM Shri School will also help bolster the education system across the country. So what will the structure of PM Shri Schools is 5+3+3+4, 5 is preschool, 3 is middle and 3 is secondary and this high secondary. Next, so question number 3, what is the name of the campaign launched to ensure complete COVID-19 vaccination in June 2022? Answer is the Har Ghar Dast campaign 2.0. The Har Ghar Dast campaign 2.0 was organized across the country to ensure complete COVID-19 vaccination of all eligible beneficiary. The special focus was on those in the 12 to 14 age group and precaution doses for those above 60. The 2 months long door-to-door campaign will run between June 1st and July 31st. The first Har Ghar Dast campaign was conducted November 2021. As many as 193.6 crore doses have been administered across the country so far. To June 1st से July 31st तक हर घर दस्त कैंपेन 2.0 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी
बेनिफिशियरी है, एलिजिबल बेनिफिशियरी है, उनको COVID-19 वैक्सीन जो अभी भी नहीं लग पाई है, तो स्पेशली फोकस जो है वो 12 to 14 एज ग्रुप पर है, और जो हमारे अबव 60 हैं उन पर है प्रिकॉशन डोजेस। तो फर्स्ट जो कैंपेन रन करवाया गया था हर घर दस्तक कैंपेन का, वो करवाया गया था नवंबर 2021 में। नंबर फोर, फिफ्थ स्टेट लॉन्च्ड द ई स्टैम्प फैसिलिटी टू अबॉलिश फिजिकल स्टैम्प पेपर्स, तो आंसर है पंजाब। तो पंजाब ने जो है ई स्टैम्प फैसिलिटी शुरू की है, लॉन्च की है, ताकि जो फिजिकल स्टैम्प पेपर्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो पंजाब रेवेन्यू मिनिस्टर मिस्टर ब्रह्म शंकर जिम्पा लॉन्च द ई स्टैम्प फैसिलिटी टू एबॉलिश फिजिकल स्टैम्प पेपर्स टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी एंड चेक द पिल्फरेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू। द स्टैम्प पेपर ऑफ एनी डिनोमिनेशन कैन नाउ बी ऑब्टेन बाया ई स्टैम्प कंप्यूटराइज प्रिंट आउट फ्रॉम एनी स्टैम्प वेंडर और बैंक ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो पंजाब की कैपिटल आप सबको पता ही होगी चंडीगढ़ है, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित एंड चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, जो कि अभी अभी रिसेंटली बने हैं, आप पार्टी से हैं। फिफ्थ, विच बैंक पार्टनर्स विद कार ट्रेड टेक टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर यूज्ड कार्स, आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप करी है कार ट्रेड टैक से, फाइनेंस करेगी यूज्ड कार्स के लिए। तो मल्टी चैनल ऑटोमोबाइल्स बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म कार ट्रेड टैक लिमिटेड हैज अलाइड विद द IDFC फर्स्ट बैंक टू ऑफर इजी एंड स्मार्ट फाइनेंसिंग फॉर यूज्ड कार। कारवेल अपश्योर इज यूज्ड कार प्लेटफॉर्म ऑफ कार ट्रेड टेक। अंडर द पार्टनरशिप IDFC फर्स्ट बैंक विल बिकम द प्रेफर्ड फाइनेंसर फॉर कस्टमर परचेजिंग यूज्ड व्हीकल्स फॉर कारवेल अपश्योर्स डीलर्स विद कस्टमाइज्ड ऑफरिंग टू सूट देयर नीड्स। इट विल एंश्योर अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस बैक्ड बाय ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। IDFC फर्स्ट बैंक स्कोर कार्ड बेस्ड लोन सेंक्शनिंग एंड एंड टू एंड डिजिटाइज एंड ऑटोमेटेड लोन अब्रॉडिंग जर्नी विल एम्पावर कार ट्रेड कारवेल एब्स्योर डीलर्स। इट विल ऑल्सो ऑफर अ सीमलेस लोन प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स। अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक फाउंडेड इन अक्टूबर 2015, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजीव लल, MD एंड CEO वी वैद्यनाथन। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्या होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो एक्सटर्नल बॉडी होती है कि वो एडवाइस दे सकते किसी भी मैटर्स में, पर डिसीजन नहीं ले सकते, तो डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास। नंबर सिक्स, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस नेम जाति आधारित गणना, तो आंसर है बिहार। बिहार जो स्टेट है, बिहार स्टेट ने डिसाइड किया है कास्ट बेस्ड जनगणना कंडक्ट करने का। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस इन द स्टेट। द डिसीजन वॉज टेकन एट एन ऑल पार्टी मीटिंग चेयर बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। द एक्सरसाइज वुड बी कॉल्ड जाति आधारित गणना एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल पब्लिश द डेटा रिलेटेड टू द सेंसस थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर्स। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क फॉर पीपल हु आर डेप्राइव्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच स्टेट यूटी हैज डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड ACB 14400 फॉर लॉजिंग कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन, आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एप्लीकेशन बनाई है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जिसके तहत आप करप्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो ACB 14400 है एप्लीकेशन का नाम। तो आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो ने बनाई है ये एप्लीकेशन, जिसका नाम है ACB 1440, जिसके तहत आप लाइव रिपोर्ट एंड लॉज कंप्लीट कर सकते हो। इन लाइव रिपोर्ट सेक्शन यूजर कैन क्लिक फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियोस ऑफ लाइव एक्ट्स ऑफ करप्शन एंड सबमिट कंप्लीट इंस्टेंटेनियसली। तो आंध्र प्रदेश स्टेट ने बनाई है एंटी करप्शन ऐप, जिस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो करप्शन के अगेंस्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022? आंसर इज टोबैको अ थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट. वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 31st एवरी ईयर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कंपनीज एंड देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. दिस ईयर्स थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 is tobacco a threat to our environment. Nearly 3.5 million hectares of land are destroyed every year to grow tobacco. As per the United Nations, consumption of tobacco kills more than 8 million people every year. तो World Tobacco Day कब मनाया जाता है? तो ये May 31st को मनाया जाता है और इस साल का जो theme था वो था tobacco a threat to our environment. क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच स्टेट इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021-22? आंसर इज महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र जो है टॉप किया है शुगर प्रोडक्शन में इन द ईयर 2021-22. महाराष्ट्र हैज ओवरटेकन उत्तर प्रदेश टू रिगेन इट्स पोजीशंस एज इंडियाज टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन द ईयर 2021-22 आफ्टर 5 years गैप. The state's output for the 2021-22 crushing year October-September stood at 138 lakh tons. That is highest ever, beating the previous 107.21 lakh tons of 2018-19. Maharashtra is followed by Uttar Pradesh and then Karnataka. So this year, महाराष्ट्र ने में सबसे ज़्यादा सॉरी पिछले साल जो है महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन किया है. उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश को बीट किया है शुगर प्रोडक्शन में. एंड सेकंड पे जो तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश है एंड देन कर्नाटका. That's all for today. I hope this video is going to be helpful to you. If you liked this video, please do like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.